गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा प्रयागराज चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं या जो हम जो भी वार्ता करने जा रहे हैं उसका विषय पहले भी बता चुका हूं, एक वीडियो इससे पहले आपका अपलोड हो चुका है, डेमो वीडियो है, जो कि मैं संदीप शर्मा स्पेशली किस चीज़ को डील कर रहा हूँ, मैं डील कर रहा हूँ आपका अर्थव्यवस्था या जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ये है क्या, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में हमने बजट का उल्लेख किया था और आपको मैं बता दूं कि अब जो लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हो रहा है इसमें आपको मैं बता रहा हूं कम से कम अर्थशास्त्र से 15 से 20 क्वेश्चन आना तय है, जिसपे हम आगे आपको आने वाली क्लासेस में आपसे रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। अगर हम बजट की बात करें, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड करके बताया था आपसे या डिस्कशन हुआ था, बजट शब्द बुगेट शब्द फ्रांस से लिया गया था। और अगर देखा जाए तो सबसे पहला रजिस्टर्ड बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था वो इंग्लैंड में हुआ था, सर रॉबर्ट वॉलपोल ने 1733 में किया था। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो सबसे पहला बजट, ये मैंने नहीं बताया था, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, स्वतंत्र भारत का एक तरीके से सबसे पहला बजट शंख मुखम चट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। चलिए उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम ये देखते हैं कि बजट 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 होता क्या है। बजट के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था, लेकिन इस वाले में शॉर्ट रूप में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि बजट कितने प्रकार से बनाया जाता है। अब बजट बनाया जाता है कितने प्रकार से, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा सर से कहूंगा कि थोड़ा बजट के प्रकार के बारे में थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करिए। पहला है पारंपरिक बजट, दूसरा है निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, और फिर उसके बाद है परिणाममुखी बजट, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड आउटकम बजट। सर प्लीज इसको थोड़ा कैमरा का एंगल दिखाते हुए बताइए। फिर उसके बाद है लैंगिक बजट, इसको जेंडर बजटिंग भी कहा जाता है। काफी ये इन बजट के प्रकार से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बजट की जब हमारे दिमाग में मस्तिष्क में जब भी बातें आती हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं आय और व्यय की। और हम ये बजट बना किसके लिए रहे हैं, अब हम ये माइक्रो बजट नहीं मैक्रो बजट बना रहे हैं। मैक्रो का MACRO, मैक्रो बजट बनाने का सीधा तात्पर्य होता है कि हम राष्ट्र के लिए बजट बना रहे हैं। अब जब हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले आय और व्यय की बात होती है। जहां तक हम राष्ट्र की आय की बात करें, आय क्या होती है, सरकार टैक्स लगाती है, कर लगाती है, और सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मिलते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गए और तरह के नॉन एक तरह से टैक्सेस होते हैं, उससे सरकार की आय होती है। अब सरकार की जब आय हो रही है, चालान लगाती है, पेनल्टी लगाती है, ये सब सरकार की किस चीज से, ये आय हो रही है सरकार की। अब सरकार की आय हो रही है, बट ऑब्वियसली सरकार किसके लिए बनी है, अगर भारत की बात की जाए तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों के लिए सरकार है। तो बट ऑब्वियस है कि हम आय है तो हम व्यय भी करेंगे। अब हम व्यय की बात करें, भारत जैसे देश में व्यय कहाँ होता है, व्यय सड़कें बनती हैं, इतनी सारी सरकार योजनाएं चला रही है, कई तरह की योजनाएं चला रही है, मनरेगा चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, कई तरह की योजनाएं चल रही, सरकार को उसके लिए व्यय, वो एक्सपेंडिचर्स करती है, सरकार व्यय करती है। आय और व्यय का अगर ब्यौरा कहा जाए वही बजट है। अब इस बजट को बैलेंस कैसे करती है सरकार, किस तरह से किया जाता है, आइए उस पर एक एक करके हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रेडिशनल बजट है, इंग्लिश में ट्रेडिशनल बजट या हिंदी में इसको पारंपरिक बजट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स पारंपरिक बजट क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पारंपरिक बजट का सीधा मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है, कैमरा सर से हम कहेंगे दिखाएं, 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी सरकार आय और व्यय का लेखा जोखा करती है वो आपका किसमें, वो ट्रेडिशनल बजट की श्रेणी में हम लेके आते हैं। ट्रेडिशनल बजट का अगर जो पीरियड देखा जाए वो लगभग 11 से 12 महीने का, या हम कहें एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जिसमें सरकार अपनी पारंपरिक रूपरेखा में होते हुए आता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पारंपरिक बजट है वो आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का माना जाता है। चलिए हम, लेकिन हम इंडिया परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है निष्पादन बजट
निष्पादन बजट का सीधा मतलब होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस का मतलब सरकार एक तरीके से जो भी परफॉर्मेंस करती है, परफॉर्मेंस यानी कई तरह की योजनाएं चलाती है वो, और वो कितनी सफल हुई है कि नहीं हुई है एक वित्तीय वर्ष में, उसको निष्पादन बजट के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत, निष्पादन बजट की जो शुरुआत है, सबसे पहले अमेरिका में 1949 में की गई थी, और करने वाला एक आयोग बना था एक तरीके से, उसका नाम था हूपर आयोग। ने सबसे पहले निष्पादन बजट वो कहाँ पे हुआ था, स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है, हूपर आयोग ने बनाया था और अमेरिका में हुआ था। अगर भारत में कहा जाए तो भारत में इसको हम एक नाम से, एक और नाम से जानते हैं, कार्यपूर्ति बजट। अब कार्यपूर्ति बजट से क्या तात्पर्य है, कार्य की पूर्ति होने के लिए। अब कोई भी सरकार प्रोग्राम चला रही है, किसी तरह का कार्यक्रम चला रही है, वो कितना सक्षम हुआ, वो कितना अच्छे से अच्छा बना है, वो सरकार किस में बताती है, कार्यपूर्ति बजट में। आइए फिर इसके बाद हम अब देखते हैं तीसरे नंबर का बजट, जी काफी बार पूछा गया है, विद्यार्थी ध्यान दें, शून्य आधारित बजट, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब ये जीरो बेस्ड बजटिंग का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, भारत की हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे भारत में घाटे का बजट बनाया जाता है, घाटे की अर्थव्यवस्था है उसको हम समझेंगे पहले। इसका मेन जीरो आधारित बजट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले घाटे का बजट होता है भारत में, और दूसरी चीज है निष्पादन बजट की एक असफलता। हमारे भारत देश में निष्पादन बजट को उतना ज्यादा प्ररूप नहीं मिल पाया है, तब भारत सरकार ने कौन सा, शून्य आधारित बजट को अपने बजट में तवज्जो दी। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अब शून्य आधारित बजट की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया घाटा और निष्पादन की असफलता। जो निष्पादन बजट है यानी जो परफॉर्मेंस बजट है उसके फेलियर की बदौलत हम इसको लेके आए हैं। थोड़ा सा आप एक चीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि इसको सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग कि इसको सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। अब चलिए आते हैं इस पे कि ये घाटे की अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए घाटे की अर्थव्यवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि जब सरकार कोई वर्क करती है, यानी सरकार का क्या व्यय ज्यादा हो जाए और आय कम हो, तो उसको घाटे का बजट कहा जाता है। घाटे का बजट से यह भी तात्पर्य होता है कि सरकार कुछ काम कर रही है, तभी तो भाई घाटे का बजट हो रहा है कि हमारी आय कम है और व्यय क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा, तो यानी सरकार कुछ ना कुछ काम कर रही है। उसके बाद निष्पादन बजट की असफलता इसका मेन कारण है, जीरो बेस बजट लाने का, क्योंकि इसमें उतना अच्छा, अगर हम कहें कार्यपूर्ति बजट में उतना अच्छा सरकार को आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो सरकार ने जीरो, एक तरीके से जीरो बेस बजट का निष्पादन किया। जीरो बेस बजट में जो भी परफॉर्मेंस सरकार ने, जो भी कार्य एक वित्तीय वर्ष में पिछला कर चुका है, अगर उसमें घाटा आ रहा है तो सरकार उसको शून्य मान लेती है और नई तरीके से वित्तीय वर्ष में एक तरह से बजट को प्रारूप बनाती है। अगर हम घाटे के बजट की बात करें, शून्य आधारित बजट की बात करें, तो सबसे पहले इसके जो जन्मदाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थीगण, इसको प्लीज नोट कर ले, पीटर ए पायर उन्होंने 1970, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने इस बजट का एक तरीके से शून्य आधारित बजट को आरंभ कराया, और सबसे पहले अमेरिका ने ही इसको एक तरीके से प्रायोगिक रूप में लाया। कब लाया, 1973 में जिमी कार्टर नाम के गवर्नर थे जॉर्जिया के, अमेरिका के, उन्होंने इस चीज को एप्लीकेबल, पहली बार एप्लीकेबल किया। हम कैमरा सर से कहेंगे कि थोड़ा सा आप दिखाएं इसका प्रायोगिक रूप से, 1973 में जिमी कार्टर अमेरिका के एक तरीके से गवर्नर इसका उपयोग किया था। अगर हम इसको कब से एक तरीके से चालू किया गया था, 1979 से अमेरिका के इसको राष्ट्रीय बजट में शामिल कर लिया गया, अमेरिका के राष्ट्रीय बजट। हम भारत की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस चीज को, शून्य आधारित बजट को अपने यहां पे इंट्रोड्यूस किया या लेके आए। ये कब लेके आए, और केंद्र सरकार ने 1978 से 88 के मध्य इसको, शून्य आधारित बजट को, भारतीय बजट में जगह दे दी। अगर हम बात करते हैं फिर
इसके बाद एक और बजट है जो बहुत आजकल पूछा जा रहा है, परिणामुख की बजट या आउटकम बजट। ये भारत में कब से लाया गया? 2005 से। ये इससे विद्यार्थीगण ध्यान दें, इससे बहुत से क्वेश्चन आना तय हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये वित्तीय समावेशन, इससे बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि परिणामुखी बजट होता क्या है। परिणामुखी बजट का सीधा मतलब होता है, जिसको आउटकम बजट भी कहा जाता है, कि सरकार बजट में कहां कहां कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, उसमें क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, उसको बताने के लिए परिणामुखी बजट या आउटकम बजट का सरकार प्रस्तुतिकरण करती है। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे हम वित्तीय समावेशन की बात करें, वित्तीय समावेशन, जैसे देखिए कई योजनाएं हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसको वित्तीय समावेशन कहा जाता है, इंग्लिश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम आपको बता दें, सरकार लोगों को सस्ती दर पे बैंकों से जोड़ रही है। अब क्यों जोड़ रही है? इसलिए जोड़ रही है कि जो भी एक तरीके से सरकार के पास प्रॉपर जनगणना या सेंसस के आंकड़े नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड है, उसको हम बैंकों के माध्यम से क्या कर दे रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं, जिससे सरकार के पास पूर्ण रूप से आंकड़े आ जाएंगे। और वित्तीय समावेशन कहने का मतलब है, आज हमारा एक भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ अधिकतर जो जनसंख्या की जो लोग हैं वो किसी कृषि आधारित चीजों पे एक तरह से डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो साहूकार, जो एक तरह से मीडिएटर्स हैं, वो उनको एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने कहा कि भाई तुम आओ अपना अकाउंट खुलवाओ, वो भी जीरो बैलेंस पे, जीरो बेस अकाउंट पे अकाउंट खुलवाइए, और हम आपका अकाउंट खोल देते हैं और आपको सस्ती दर पे हम लोन देंगे। इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नो फ्रिल अकाउंट क्या है? नो फ्रिल अकाउंट, फिर अब उसी का नाम BSBDA कर दिया गया है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और उसी को आज हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जान रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बहुत सी कैटेगराइजेशन किया गया है, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपसे बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूंगा, जो आपके आने वाले समय के एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन और लोअर पीसेस के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक या इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बजट, जिसको कहते हैं लैंगिक बजट, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। अब ये नया टर्म जेंडर बजटिंग क्या है, इसके बारे में हम आपको बता दें, तो कैमरा सर से कहेंगे हम कि थोड़ा सा बताएं, महिला एवं शिशु कल्याण, यानी किसी खास वर्ग को इस पे केंद्रित किया गया है, कि इसमें जो भी बजट बनेगा उसमें अधिकतर जो व्यय होगा वो महिला एवं शिशु कल्याण, बहुत सी योजनाओं में किया जाएगा, जिससे भारत और भारत का एक तरीके से आगे आने वाले समय में जो उत्थान होगा, और एक तरीके से लैंगिक आधारित का सीधा तात्पर्य है लैंगिक आधारित बजट का, कि हम किसी विशेष वर्ग को हम तवज्जो दे रही है सरकार, कि तवज्जो देने के साथ साथ सरकार उन चीजों को बढ़ा रही है, वो कहलाता है आपका कौन सा बजट, वो लैंगिक बजट कहलाता है। अब अगर हम बजट की बात करें क्लास में, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम बजट की बात करें, तो बजट अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो बजट की जो डेट है, समय है, उससे भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछले वाले एक तरीके से वीडियो में बताया था कि इस बार से जो आपका रेल बजट है वो केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है, आपकी विवेक डिबोरॉय कमेटी के अनुसार 2017 में। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब बजट की शुरुआत भारत में हुई थी, जेम्स विल्सन ने की थी 7 अप्रैल 1860 में, उसके बाद भारत में एक ही बजट आता था, लेकिन 1921 में सर एक्वर्थ ने, एक्वर्थ कमेटी बनी थी 1921 में, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को एक सजेशन दिया कि मैम हम एक बजट ना बना के एक तरीके से, हमें एक तरीके से भारत को, भारत में अधिकतर रेलगाड़ियों का एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए एक अलग बजट होना चाहिए। तो ब्रिटेन की महारानी ने उनकी बात मान ली और 1924 से दो बजट आने लगे, एक रेल बजट आने लगा और एक केंद्रीय बजट आने लगा।
1924 से, और उनका नाम था 1921 में एक्वर्थ कमेटी बनी थी, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लें। एक्वर्थ कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई थी। 1921 से एक्वर्थ कमेटी बनी और उसका जो भी उसने आउटकम दिया वो 1924 में प्ररूपित किया गया, और तब से 1924 से आपका 2016 तक केंद्रीय बजट और आपका एक तरीके से केंद्रीय बजट और रेल बजट एक अलग अलग आते थे, लेकिन विवेक डिबोरॉय कमेटी, विवेक डिबोरॉय के बारे में आपको बता दूं, वो नीति आयोग, जो नीति आयोग बना हुआ है, नीति आयोग जो अब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग रह नहीं गया, नीति आयोग के वो एक सदस्य हैं। नीति आयोग का अगर हम बात करें, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया नीति आयोग, और इसको एक सदस्य ने सजेशन दिया जो विवेक डिबोरॉय के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने एक तरह से सजेशन दिया कि हम रेल बजट को फिर से किसके साथ मिला दें, केंद्रीय बजट के साथ। इस बार जो आपका बजट आया है 1 फरवरी को, उसमें रेल बजट को साथ में मिला के दिया गया। और एक चीज और बता दें, इस बार का जो आपका रेल क्या कहते हैं जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो पीयूष गोयल साहब ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमारे एक तरीके से कार्यवाहक वो वित्त मंत्री बने हुए हैं। जो मेन वित्त मंत्री हैं वो एक तरीके से इंडिया से बाहर आपके अरुण जेटली साहब अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो अब आ गए हैं इंडिया में, जब तक ये वीडियो शूट आउट हो रहा है। अब इसके बाद हम बजट की बात करते हैं, बजट से और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बजट में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी कब होती है? हलवा सेरेमनी होती है बजट के 7 से 10 दिन पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री ऑर्गेनाइज करता है। इस बार तो वित्त मंत्री साहब थे नहीं, इस बार जो एक तरीके से जो और उनके एक तरीके से वित्त गण मंत्री थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इसमें होता कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति लोग बजट पेपर या बजट बनाते हैं, जो भी अधिकारी बनाते हैं, उनको एक जगह, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम कर लें, उसका नाम है नॉर्थ ब्लॉक। क्या नाम है विद्यार्थीगण? नॉर्थ ब्लॉक है, जो कहां पे स्थित है, जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पे बजट पेपर एक तरीके से क्या किया जाता है, बजट पेपर छपता है। और भी बहुत सी मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। हलवा सेरेमनी अगर देखा जाए तो बजट के 7 से 10 दिन पहले होता है, और इसमें जो भी व्यक्ति बजट बनाता है, उन जो भी बनाते हैं, उनको नॉर्थ ब्लॉक में एक तरह से नज़रबंद, आइसोलेटेड या नज़रबंद कर दिया जाता है कि जब तक बजट प्रस्तुतिकरण ना हो जाए। ये ऐसा किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अभी जो भी बजट आने वाला है, जो भी वित्त मंत्री जी बजट बताने वाले हैं, वो किसी दूसरे लोगों को ना पता चल जाए जब तक वित्त मंत्री ना बता दे। ऐसी बहुत सी नीतियां हो सकती हैं, अगर 10 से 15 दिन पहले लोगों को पता चल गई तो एक तरीके से कुछ लोग अपने हिसाब से नीतियां बना के टैक्सेस में सारी चीजें उनको पता चल जाएंगी, जो एक तरह से अधिकारी वर्ग है या अभिजात वर्ग है उनको फायदा पहुंच सकता है। इसलिए इस चीज को एक तरीके से अपनाया जाता है और वो हलवा सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें बजट, बजट का हम और भी एक तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, और मैं आपसे फिर कहूंगा, मैं कैमरा सर से फिर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इधर दिखाएं। चंद्रा इंस्टीट्यूट का एक तरीके से जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं दोहरा दे रहा हूं आपको, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासेस इसमें चलाई जा रही हैं लोअर पीसीएस के लिए। 8299310997 ये व्हाट्सएप नंबर है। अब कैमरा सर से मैं कहूँगा, थोड़ा सा आप इधर दिखाते हुए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपको ज़रूर आपको एक गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को, चंद्रा इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो बहुत एक तरीके से आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू।